to you. तो कैसे हमने प्यार फैमिली और भाई गुड मॉर्निंग, टाइम हो रहा है अभी सुबह के 7:30 ही हो रहे होंगे और मैं इतनी जल्दी उठ गया, मुंह धोया है बस, फिर भी स्मार्ट लग रहा हूँ ना मैं। तो भाई अभी जा रहे बुआ के घर शादी का कार्ड देने। शादी का कार्ड देने से पहले अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट तो कर ही लेते हैं, और ब्रेकफास्ट बना रही है मेरी प्यारी से भाई 7:30 बजे उठ के बुआ ले। देखो भाई बुआ 7:30 बजे उठ के बुआ देखो पूछ रहे बुआ कैसे हुआ है बता दो कमेंट करके सब। देखो यार बुआ मेरे लिए मेथी का पराठे बना रहे हैं, बना रहे आज मेथी के पराठे और दाल पागल, दाल पागल हाँ। और ये भाई बोले बताओ कितनी सुविधा, देख लो यार भाई अभी खा के फटाफट निकलते हैं यहाँ से क्योंकि भूख लग रही है, थोड़ी थोड़ा कुछ तो खा ही लेते हैं और फिर अपने ऐसे भगते हैं घर से। ये ब्रेकफास्ट हो गया रेडी, बुआ ने बनाई ये घी लगा के टोस्ट और चाय, और आज पीते और निकलते हैं घर से। अगर सोनपरी के अंदर भाई अभी जा रहे हैं फटाफट, यहाँ से इसका फ्रंट कैमरा पता नहीं क्यों यार गंदा सा दिखता है, बट कोई बात नहीं, शक्ल तो अपनी अच्छी है, वीडियो तो अच्छी हो जाएगी, पता नहीं क्यों ब्लर ब्लर से आता है यार, और कोई एडजस्ट कर लेना भाई क्वालिटी का। तो अभी फोटो निकल गया, चलते हैं वहाँ, खड़े कर रहे वेट काली सुनने को, मुझे सुबह सुबह कूड़े के पहाड़ के पास, ये रहे चाचा पीछे। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। चाचा का पेट देख रहे तुम्हें, ऐसे लगता है सरकारी नौकरी होते, मतलब पेट निकले जा रहा है। मैं भी चाचा के उस पर चल रहा हूँ पर मेरा ज्यादा निकला, चाचा का ज्यादा ही निकल रहा है। तो पहुंच गए कूड़े के पहाड़ पे, तुम यार काश में खुशबू सुंघा पाता यहाँ की मनमोहक, तुम्हारी नाक के बाल जल जाते। तो कोई नहीं, चलते हैं बुआ के वहाँ पे, उनको परेशान करते हैं सुबह सुबह। अभी टाइम क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, अभी तो 8:50 ही हुए बस। फैन आ गया, हाय तो बोल दे। सब्जी खरीद रहे हैं भाई, साग आपको बनाना आता चाचा? हाँ, मैं बना लेता। ये बात सारी कैमरे के पीछे की सच्चाई मुझे पता ही है। अभी ना ये यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ देखी है, देख रहे हो तुम आप, ये खाके मतलब ट्रे पुलिस वाले बन के घूम रहे हैं यहाँ पे और पैसे लेते हैं लोग यहाँ पे आके, तो कुछ सावधान रहना। अच्छा ये लोग मतलब आते हैं ऐसे घरों में, खा मखा कुछ भी नहीं इनके पास, सब फेक है। रुके के लिए यार रुको, यहाँ से भर रहा हूँ यहाँ पे, बुआ के घर यहीं से ले जाते। अपन रॉयल इंडियन कंपनी आए थे, मैंने अंकित के व्लॉग्स देखे थे और अभी यहाँ पे इनका लिस्ट वगैरह देखा, पैकेज तो मेरे को सही लगा। आपको बजट में कुछ सामान लेना है तो आप देख सकते हो, मैं वेरीफाई करने भी आया था, तो यहाँ पे शॉप एरी और ये भैया आपको यहाँ मिल जाएंगे सारा सामान का पैकेज पे, मैं आपको पैकेज के डाल दूंगा वीडियो में, आप देख सकते हो उसका लिंक भी, ठीक है। तो मेन रोड से उतर के ज़्यादा अंदर नहीं है, लोकेशन मैं लिंक में डाल दूंगा, रॉयल इंडियन कंपनी करके है। तो यहाँ पे अगर शॉप का आपको नॉर्मल सा टूर दे देता हूँ, ये सारे इनके एक्सेसरीज वगैरह है, वॉशिंग मशीन में इनके 2-3 ऑप्शन है, फ्रिज ये वाला मिनिमम पैकेज में जो मिल रहा है, सेट्स वगैरह देख सकते हाँ ठीक। ये आप बेड का ये देख सकते हो, ये सब बहुत क्वालिटी बहुत बढ़िया लग रही है देख रहे हैं, मेरे को ट्राई कर सकते हो विजिट करके एक बार, बजट में भी चीज़ें। और ये अपने अलमारी ड्रेसिंग वगैरह सब पैकेज का देखो, पैकेज का ये सब इनका अलग हिसाब है, 71,000, 81,000, 91,000। उसके अलावा ये भी देख सकते हो, तो एक बार विजिट ज़रूर कर लेना। ओवरऑल मैं कह रहा हूँ चीज़ बढ़िया है, क्वालिटी मैंने देख लिया है ना, तुम्हें चीज़ें एक्सप्लोर कराता हूँ, मैंने वो तो दिखा दिया कि शादी का सामान अगर तुमको सस्ते में लेना हो, मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जैसा भी है तुम वहाँ से ले सकते, अच्छा सामान था। उसके अलावा ना अभी हम चलते हैं एक और जगह पर आए हो, यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम है पूरा, रेट बहुत सही है, तो यहाँ पर आपको प्राइस वगैरह दिखा सकता हूँ मैं इनके एक बार, तो चलते हैं अंदर से रेट वगैरह पूछते, सामान भी दिखाता हूँ। तो भाई ये इनका आउटलेट है, ये स्टॉक इनके पास वॉशिंग मशीन टीवी वगैरह वो सब आइटम्स है, तो इधर इनसे रेट वगैरह पता करते हैं प्राइस और देखते हैं क्वालिटी कैसी है सामान की। तो एक बार मैं आपको यहाँ के प्राइसेस बताता हूँ, भैया इस प्राइस ये क्या प्राइस है सूरज का? तो ये होता क्या है, मतलब क्या किस टाइप के आपके पास जो एक्सेसरीज वगैरह है आपके? ये फ्रेश है और जो वो पीछे रखा है वो सारे फ्रेश? वो डेंट वाला है, कंपनी सेकंड। अच्छा, इनकी जो वारंटी वगैरह होती है वो? देखो हम डिस्काउंट काफी दे रहे थे भैया, जैसे मार्केट रेट इसका 90,000 रुपए है, ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास सर्विस नहीं है तो हम उसको भी कम कर देते हैं। ओके, तो मतलब जो वारंटी वगैरह कुछ होती है इनकी? हम विदाउट चेक करा के देते हैं, पूरा 5-6 घंटे चेक कराएंगे, 90,000 रुपए का फ्रीज है आपका, 30,000 रुपए का है। ठीक है ठीक है, और बाकी सारे ये विदाउट वारंटी है? नहीं, ये वाला विदाउट, जो विदाउट वारंटी है उस पर लिख बता देंगे, टेंट आता है, ठीक है, ये मटेरियल सारा फ्रेश है, ये मटेरियल फ्रेश है, ये सारा। ओके ओके, तो इसका क्या प्राइस होगा? ये काफी अच्छा लग रहा है, कितने लीटर का है ये? 450 लीटर के अंदर है, इसके अंदर आपका फ्रिज भी फ्री आएगा,
ये वाला ओके, ये फ्री आएगा। क्या प्राइस क्या है उसका? ये आएगा सर आपका 40,000 रुपये का, वैसे इसका मार्जिन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ आएगा 50,000 रुपये का। ओके ओके, तो गाइस ये देखो अच्छा है, मैंने देखा फ्रिज के, बाकी तो मैं दिखाता हूँ, मतलब प्राइजेस तो ठीक है, आप आके इसमें वारंटी तो है ना, कंपनी वारंटी ब्रांड है, इसमें आप आके विजिट करके देख सकते हो। हाँ तो यार अभी ना एक छोटा सा टूर देता हूँ मैं आके, आपके प्राइसेस भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये जो टीवी एंड्रॉइड टीवी, इनका क्या स्टार्टिंग प्राइस क्या है? 10,000 रुपये से स्टार्ट होगा। कितने कितने इंच का जो 10,000 का होगा आपका, एक साल की वारंटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद वॉशिंग मशीन का क्या स्टार्टिंग रेंज है आपका? 6.5 किलो की होती है आपकी, 8,800 रुपये से स्टार्ट है, उसमें ब्रांड वारंटी, वारंटी वगैरह सब रहता है ना। और एसी वगैरह है? जो एसी हमारे पास कंपनी सेकंड का जो होता है, कंपनी सेकंड में वो काफी डिस्काउंटेड होता है, जैसे वो डेंट स्क्रैच होना। क्या स्टार्टिंग प्राइस क्या होगा उसका? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती ना उसमें? प्रॉब्लम तो नहीं होती ना कोई? और जो अपना ये वॉशिंग मशीन है ना, ये रैफ है, सॉरी एसी और वॉशिंग मशीन है, इनका क्या प्राइसेस है? वो एसी स्टार्ट हो जाता है विंडो आपका 10 का 24,500 रुपये से स्टार्ट होता है। ओके, और जो माइक्रोवेव रखे हैं ये क्या चीज है? ये कंपनी सेकंड के अंदर है सर। इसका क्या प्राइस है? 5,000 रुपये का सैमसंग का मिल रहा है आपको यार, देखो ये 4,000 रुपये का, ये 4,000 का है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना इनमें? डेंट की वजह से होता है, जैसे ये है, हाँ हाँ, 14,000 रुपये का। यार देखो रेट बहुत सही है, विजिट करके देख सकते हो। लोकेशन क्या भैया, अगर अपना लोकेशन बता दोगे? हमारी लोकेशन है भैया हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के सामने बादली गांव है, नाला पार करते ही है। ठीक, वेयरहाउस भी आ गया था यहाँ पे, तो इनका एसी का पूरा वेयरहाउस है, स्टॉक देखो कितना भरा हुआ है यार, यहाँ पे विजिट करके देख सकते हो अगर तुम लोगों को एसी चाहिए। बाकी यहाँ एलईडीज वगैरह देखो कैसे गंदी हो रही है, मतलब मिट्टी लग रही है, तो स्टॉक बहुत है इनके पास ओवरऑल, तो विजिट करके जरूर एक बार देख सकते। लिया माउंटेन्स पे आ गए नरेंद्र भैया, माउंटेन पे लिया है यार, ये दिल्ली के पहाड़ है, हसीन वादियाँ जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जूझ रहे हैं। हटाओ हटाओ हटाओ। घूमने के बाद फाइनली भाई ये गोडाउन में आ गए, वेयरहाउस है, तो यहाँ पे फिर डिजाइन और माइका वगैरह देख रहे हैं, अगर यहाँ कुछ पसंद आता है बजट में होता तो यहाँ से बुक कर लेंगे। मैं 8:30 का निकला हूँ और भाई हालत हो चुकी है खराब, गर्मी में भूख लग रही है, अब तो बहुत बुरी तरह, कुछ खाया भी नहीं भाई, क्या करें समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, डन भी नहीं हुआ, हम घूम रहे हैं फुद्दुओं की तरह भाई, बैठे हुए इतनी देर से लगा पड़ा है भाई, डिसाइड हुआ नहीं लेना क्या यार। देखो चाय बाहर से ले ली, नमकीन खाने दुकान नहीं जाता हमारा भाई, सीधा फैक्ट्री आता है, ले ली और यहाँ खाने पूरे हब में ही आ गए हम लोग, देखो भरा पड़ा है पूरा, यहीं से स्टॉक जाता है दिल्ली के अंदर। ये ले ली नमकीन, पूरा भर दिया थैली जरा सा, एक चीज़ का टूर दे दूँगा, मूँगफली के गोदाम में आ गया, देखो यहाँ भट्टी लग रही है मूँगफली, यहाँ मूँगफली की भट्टी, पूरा गोदाम मूँगफली का, बाद में दम है तेरी, हीरो लग रही है, देख। सब खा लो खाना यार, ये मिला खाना खाते खुश होते बड़ा बड़ा, सारा स्वाद एक तरफ और कच्चे दूध का टेस्ट एक तरफ, ये रही गैया। तो अभी निकल चुके हैं यहाँ से, ये रहा मेरा दोस्त। अरे भाई कैसे, हाय तो कर दे, हाय, गुड नाइट भाई। ये मेरा बहुत अच्छा, मतलब बहुत सपोर्ट करता है चैनल में, तो उसको भी नाम क्या, नाम तो बता दे, लक्ष्य, ठीक है, बहुत प्यारा बहुत स्वीट है। अच्छा लक्ष्य ने मेरे को एक चीज भी गिफ्ट किया, इसने गाय का दूध दिया है अभी, थैंक यू लक्ष्य इस लवली से गिफ्ट के लिए। भाई बुआ के घर से बगाता बगाता लाया मैं अपनी गाड़ी, बस इसके लिए प्यार है मोहब्बत है, इतनी मेहनत के बाद यार अब घर आ गए हैं और टाइम हो रहा है अभी, कभी नहीं कर पा रहा है 41, और भाई बहुत गंदी नींद आ रही, थक चुके हैं बुरी तरह, सोते हैं और इसी नोट पे करते हैं इस व्लॉग को एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, और मैंने कुछ व्लॉगर्स की जो वीडियो बनाते हैं सस्ती चीज़ों पे कुछ पे, तो मैं बेसिकली बस वो वेरीफाई करने का आया था कि तुम लोग को भी कंफर्म हो कि ऐसी चीज़ एक्चुअल में है कि नहीं है, तो वहाँ पे जो वो था ना अपना, मैंने जो दिखाया था तुमको पैकेज, तो पैकेज ठीक है उस इंसान के लिए, जैसे भाई हर किसी का बजट नहीं होता कि वो अफोर्ड कर पाए कि इतना सामान दे पाए, तो वो लोग वहाँ से परचेज कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हो क्वालिटी की साइड ना आपको चाहिए अगर क्वालिटी प्रोडक्ट, तो वो शायद आपके लिए नहीं है, आपके लिए है ही नहीं। अगर आप लोग को चाहिए कि नॉर्मल भाई चलो अफोर्ड नहीं कर सकते, एक कम प्राइस में कुछ चीज़ें चाहिए, तो वहाँ से ले सकते हो, बेस्ट है, बट क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं चीज़ें वही बताता हूँ जो जेन्युइन रिव्यू होते हैं, तो इस नोट पर इस व्लॉग को करते हैं एंड। तो बताइए, तो सब्सक्राइब करना तो कर लेना, लाइक तो खरीदना और वीडियो।